जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम आप लोगों को परिश्रम करने से संबंधित कहानी सुनाते हैं कि बेटा परिश्रम का जो फल है वो बहुत मीठा होता है, उस संबंध में आपको हम कहानी सुना रहे हैं। ठीक है? Yeah! बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। तो बच्चों देखिए, आपके भाषा भारती में कहानी दी हुई है परिश्रम का फल। परिश्रम का फल, इस कहानी को हम पढ़ते हैं और इससे हम शिक्षा लेने का प्रयास करेंगे। बेटा क्या दिया है हम देखते हैं कहानी में, है ना? Yes. तो चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दयावती नाम की एक स्त्री रहती थी। क्या नाम की? दयावती नाम की स्त्री रहती थी। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसके परिवार में और कोई नहीं था। दयावती गांव से निकलने वाले राहगीरों को भोजन कराती थी। यानी गांव से जो राहगीर, मतलब वहां से जो गुजरते थे राहगीर, मतलब रास्ते पे चलने वाले, है ना, यात्री लोग, उनको वह क्या करती थी? भोजन कराती थी, यानी उनको खाना खिलाती थी। राहगीर प्रेम से जो कुछ दे जाते वह उसी से अपना खर्च चलाती थी। अर्थात रास्ते पर चलने वाले जो लोग राहगीर लोग होते थे वो खुश होकर के उस बूढ़ी महिला को, यानी दयावती को, जो कुछ भी दे देते थे तो उसी से वह अपना खर्च चलाती थी। गांव वाले भी उसका पूरा ध्यान रखते थे। गांव के लोग जो थे वो भी उस दयावती बूढ़ी माँ का बहुत ध्यान रखते थे। उसे बूढ़ी माँ कहकर सब उसका आदर करते थे, यानी उसका सम्मान करते थे। ठीक है बेटा? Yeah. हाँ। एक बार रात में बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में सो रही थी, अचानक चार आदमी उसकी झोपड़ी में घुस आए। एक रात क्या हुआ, जब वह सो रही थी, विश्राम कर रही थी, उस समय चार लोग उसकी झोपड़ी में घुस आए। उन्होंने झोपड़ी का कोना कोना छान मारा, यानी जो झोपड़ी थी उसकी कुटिया थी, उस कुटिया के हर कोने में देखा, पर उन्हें आटा दाल और कच्चे चावलों को छोड़कर और कुछ भी नहीं मिला। वे थक हार कर वहीं बैठ गए और आपस में कहने लगे। क्या कहने लगे? आज तो हमें कुछ नहीं मिला, भूख के मारे दम निकल रहा है। ये देखिए इस चित्र में, ये चार व्यक्ति जो हैं ये उस कुटिया में ढूंढ रहे हैं, बूढ़ी माँ की कुटिया में ये कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है और ये बूढ़ी माँ जो है वो सोई हुई है। ठीक है? Yes. और आखिर में थक हार कर बैठ गए और कहने लगे कि भैया भूख के मारे उनका दम निकल रहा है। तो खटपट सुनकर बूढ़ी माँ की नींद खुल गई, उसने उनकी बात सुन ली, वह उठकर बैठ गई। वे चारों बूढ़ी माँ को जगा देखकर चौंक गए, यानी जैसी बूढ़ी माँ उठी तो वे चौंक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि भागे या रुके। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा घबराओ मत, कुछ देर ठहर जाओ, मैं अभी गर्म गर्म भोजन बना देती हूँ। आटा चावल और दाल रखे ही थे। बूढ़ी माँ ने झटपट भोजन बनाया और उन चारों को बड़े प्रेम से खिलाया। बूढ़ी माँ के अच्छे व्यवहार को देखकर उन चारों के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यानी बूढ़ी माँ के घर में जबकि वो चोरी करने आए थे, किंतु बूढ़ी माँ ने उनको बल्कि भगाया नहीं और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला मचाया, बल्कि उनको प्रेम के साथ भोजन बनाया और भोजन खिलाया। उन्हें अपने काम पर पछतावा हुआ। किनको? उन चारों लोगों को जो उसके उसकी झोपड़ी में चोरी करने आए थे, उन चारों को पछतावा होने लगा। वे बोले, बूढ़ी माँ तुमने हमें भोजन कराया, इसलिए लो ये पैसे रख लो। बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं ये पैसे तुम्हारे श्रम का फल नहीं है, अर्थात तुमने ये पैसे मेहनत करके नहीं कमाए हैं। श्रम यानी मेहनत, मेहनत करके नहीं कमाए हैं, कोई काम धंधा करके नहीं कमाए हैं, बल्कि तुमने ये पैसे चोरी करके कमाए हैं, मैं इन्हें नहीं लूंगी, ऐसा बूढ़ी माँ ने कहा। उन चारों व्यक्तियों ने कहा, अच्छा तो हमें ऐसा काम बताओ जिसे हम तुम्हारे दिए भोजन के बदले में कर सके। तब उन चारों व्यक्तियों ने कहा, ठीक है दादी माँ, ठीक है बूढ़ी माँ, यदि तुम ये पैसे नहीं ले सकती
तो हमें कोई ऐसा काम बताओ जिससे कि हम तुम्हारे दिए गए भोजन का बदला चुका सकें। ये देखिए, ये भोजन कर रहे हैं, ये बूढ़ी माँ उनको भोजन करा रही चारों लोगों को, चित्र में देख रहे हैं बेटा। yes. बहुत बढ़िया। तो फिर आगे बूढ़ी माँ बोली, बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, झोपड़ी के बाहर एक सूखा पेड़ है, मुझे भोजन बनाने की लकड़ी चाहिए। क्या चाहिए? लकड़ी। लकड़ी चाहिए, तुम लोग अभी सो जाओ, सुबह उस सूखे पेड़ को से जलाने की लकड़ी फाड़ देना। सुबह होते ही चारों आदमी कुल्हाड़ी लेकर सूखे पेड़ को फाड़ने में जुट गए। उनके शरीर से पसीना बह निकला। दोपहर तक उन्होंने सूखे पेड़ को फाड़कर लकड़ियों का ढेर लगा दिया। वे थक कर चूर हो गए, यानी थक गए लकड़ी फाड़ते फाड़ते, है ना। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, अब नहा लो और भोजन कर लो। उन्होंने क्या कहा बूढ़ी माँ ने उनको, कि बेटा नहा लो और भोजन कर लो। बूढ़ी माँ की ममता देखकर उनकी आंखें भर आई, यानी उनकी आंखों में आंसू आ गए कि देखो बूढ़ी माँ कितना हमसे प्रेम कर रही है और हमें, हम चोरों को भोजन करा रही है, नहाने को बोल रही है, तो ऐसा उसका व्यवहार देखकर उनकी आंखें भर आई, यानी आंखों में आंसू आ गए। अब की बार भोजन करने पर उनका स्वाद रात के भोजन से भी अधिक अच्छा लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, माँ आज हमने अपने श्रम का फल चखा है। तब उन्होंने क्या कहा, देखो रात को जो हमने भोजन किया था, उस भोजन की अपेक्षा अभी जो सवेरे जो भोजन किया उसका स्वाद उनको ज्यादा अच्छा लगा। और उन्होंने क्या कहा, माँ आज हमने अपने श्रम का फल चखा है। श्रम का फल का मतलब खूब मेहनत की, और मेहनत करने के बाद जब उन्होंने भोजन किया तो वो भोजन उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि ये वाकई हमने अपनी मेहनत जो की है उसी का हमको ये फल मिला है और हम इसी की मेहनत पे भोजन कर रहे हैं। अब हम कभी बुरे काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ रहकर श्रम से अपना काम काज करेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। तब उन चारों लोगों ने कहा कि हम आज के बाद कभी भी कोई बुरा काम, चोरी चकारी नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे और मेहनत करते हुए हम जीवन जिएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो बेटा ये था परिश्रम का फल, अर्थात जब भी हम कोई मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उसका जो हमको परिणाम है, उसका जो फल मिलता है ना, तब हमें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आप लोग साल भर खूब पढ़ाई करते हो, करते हो पढ़ाई? Yes. हाँ। और पढ़ाई करने के बाद में साल के अंत में जब तुम अच्छे नंबर लेकर पास हो जाते हो तो तुम्हें कितना अच्छा लगता, कितना आनंद आता है, तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हारी तारीफ करते हैं, गांव में भी तुम्हारी प्रशंसा होती है कि अमुक बालक बहुत अच्छा है, पढ़ने लिखने में काफी आगे है ना। yes. तो कभी भी कोई भी काम जो है बेटा अपनी मेहनत से, परिश्रम से करना चाहिए। हमें कभी भी किसी प्रकार की चोरी नहीं करना चाहिए, ना ही झूठ बोलना चाहिए, ना ही दूसरों को परेशान करना चाहिए, दूसरों को ठगना नहीं चाहिए, ठीक है। yes. कैसी लगी कहानी आप लोगों को? अच्छी। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बोलिए जय हिंद। जय हिंद। ताली बजाइए।